हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब झारखंड टेलर में। दोस्तों मैं हूं आफ्ताब। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि मोबाइल का डिब्बा अगर है आपके पास तो किस तरह का इंस्ट्रूमेंट ये बनता है, बिल्कुल ये बिना खर्च का। दोस्तों मैं बताओ, इससे पहले अगर आप चैनल बनाए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय से मिलता रहेगा। दोस्तों तो आइए दोस्तों इसका हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। से लाभ उठाना चाहते हैं तो वीडियो को प्लीज अंत तक देखें। तो हम इसका प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोबाइल का डिब्बा, कोई भी मोबाइल का डिब्बा है उससे ये काम हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल आसानी से इस तरह से हम खोलेंगे, इसको हम अंदर लेंगे और दोस्तों ये दो हम प्लास्टिक का थैला ले लिए हैं, आप देख सकते हैं। और ये सिंपल सादा पानी है, इसको हम इसका अंदर डालेंगे। 200 ml जिसे डालना है। इसको हम अच्छी तरह से बंद कर लेंगे दोस्तों, इसका यार निकाल के इस तरह से। तो इसको हम डबल कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह से डबल कर लेंगे और इसका यार निकाल देंगे दोस्तों। इस तरह से बिल्कुल ये जो गांठी लगाया है उसको हम अंदर रखेंगे इस तरह से। फिर इसमें हम बंद कर देंगे दोस्तों आराम से। बिल्कुल इस तरह से हम डाल लेंगे बिल्कुल आराम से। तो इस तरह से हमारा इंस्ट्रूमेंट बन के तैयार है। दोस्तों आइए हम इसका यूज किस तरह से होता है ये बताते हैं आपको। जब भी हम कपड़ा में आयरन करते हैं दोस्तों, नया हो या पुराना, प्रोफेशन हो या गैर प्रोफेशन, तो जितना समय हमको लगता है अगर हम इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो उससे बिल्कुल हाफ समय लगेगा दोस्तों। उससे हमारा समय और बिजली दोनों का बचत हो जाएगा दोस्तों। इस इंस्ट्रूमेंट का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो जहां 3 बार आयरन चलाने का ज़रूरत है वहां 1 बार भी हम चलाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा और बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से इसका इस्तेमाल करना है दोस्तों, बिल्कुल आयरन गरम करके 1 बार चलाना है बिल्कुल कपड़ा के ऊपर में, और पीछे पीछे इंस्ट्रूमेंट चला देना है। 1 बार में ही बिल्कुल फिनिशिंग हो जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं नया हो या पुराना कोई सा भी कपड़ा को हम इस तरह से आयरन करके और समय बिजली दोनों बचा सकते हैं। अगर हम इस प्रोफेशन में हैं और प्लास्टिक चिपकाते हैं तो फिर हमको इसको इस तरह से फिर चिपकाना पड़ता है, तो 1 बार में ये बैठता नहीं है दोस्तों। तो ये जो हम इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं इस तरह से अगर हम पीछे चला देंगे बिल्कुल ही परफेक्ट बैठ जाएगा। इस्तेमाल करके देख चुके हैं दोस्तों, बहुत ही टाइम का बचा था इसमें। इस तरह से पैंट का भी हम आयरन करके देख चुके हैं दोस्तों, 1 बार में ही बिल्कुल फिनिशिंग से बैठ जाता है। आज की वीडियो में बस इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय दोस्तों।